Hello children, in this video we will do NumPy array indexing. Now what is array index? Array index hota kya hai? Array index is the location of each element in the array. Okay, and it can be negative index or it can be positive index. Means it can be negative numbers or integers or it can be positive integers, right? Now what is the use of array indexing? Array indexing ka use kya hota hai? Array indexing is the same as accessing an array element. Array indexing ka hum use karte hain array elements ko access karne ke liye. Okay, we can access an array element by referring to its index number. हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं उसका इंडेक्स नंबर रेफर करके. ओके, इन एरे वी कैन एक्सेस, किसी भी एरे एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उसका इंडेक्स नंबर रेफर करके. ओके, एंड हाउ वी विल डू दिस, ये अभी हम एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे. द इंडेक्सेस इन NumPy एरे स्टार्ट्स विद जीरो. सब ये हमने पहले भी किया है कि इंडेक्स नंबर हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है. मीनिंग दैट द फर्स्ट एलिमेंट हैज इंडेक्स जीरो. सो जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा एरे का उसका इंडेक्स क्या होगा? जीरो. एंड द सेकंड हैज इंडेक्स वन. दिस कॉन्सेप्ट वी हैव कवर्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, राइट, कि इंडेक्स नंबर्स कैसे डिसाइड होते हैं. ओके, सो now the topic is indexing on one-dimensional NumPy array. One-dimensional NumPy array में हम लोग कैसे indexing करते हैं, कैसे one-dimensional NumPy array के elements को access करते हैं. For one-dimensional NumPy arrays, we only need to specify one index value. राइट, अब वन डायमेंशनल NumPy एरे क्या होता है? या तो सिंगल रो होती है या सिंगल कॉलम होता है. ओके, तो उसमें हमें क्या करना है, एलिमेंट्स का इंडेक्स के लिए सिर्फ एक ही आपको वैल्यू चाहिए, या तो रो इंडेक्स चाहिए. ओके, या फिर कॉलम इंडेक्स चाहिए. ओके, सो यहाँ पे क्या ये कह रहा है, फॉर वन डायमेंशनल NumPy एरे वी ओनली नीड टू स्पेसिफाई वन इंडेक्स वैल्यू विच इज द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द NumPy एरे. ओके, और कैसे एक्सेस होता है, क्या सिंटेक्स है? एरे नेम एन इंडेक्स. ओके, यू सिंपली राइट द एरे नेम. एरे का जो भी नेम हो वो एरे नेम आपको लिखना है और क्या करना है, इंडेक्स वैल्यू देनी है. राइट, ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. अब यहाँ पे देखो, वन डायमेंशनल एरे दिया हुआ है. ओके, ए आर आर इज द वन डायमेंशनल एरे, फाइन, एंड इट इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ इंडेक्स जो हम पहले कर चुके हैं. वी कैन डू टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग क्या होता है आपका? पॉजिटिव इंडेक्स होता है. पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4. एंड बैकवर्ड क्या होता है आपका? नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है. -1 से स्टार्ट करते हैं इसको, राइट, फाइन, -1 से इसको स्टार्ट करते हैं. तो अभी आप यहाँ पे देखो, दिस इज वन डायमेंशनल एरे. ओके, अगर आपको इस वन डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है तो सिंपल क्या है, यू हैव टू गिव द एरे नेम. आपको एरे नेम देना है, फाइन, एरे नेम देना है. सी, दिस इज द एरे नेम, ए आर आर एरे नेम, एंड देन द इंडेक्स वैल्यू. ठीक है, इंडेक्स आपको वैल्यू देनी है. तो इंडेक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारी, ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू 2 पे क्या है, 13 लोकेटेड है, फाइन. तो आप कौन से एलिमेंट को एक्सेस करोगे? 13 को एक्सेस करोगे, फाइन. यहाँ पे 11 का इंडेक्स वैल्यू 0 है, देन 12 का 1, देन 13 का 2. ओके, सो एरे इंडेक्स वैल्यू 2 विल एक्सेस 13. ओके, राइट, ऐसे ही आपको अगर देखो, आपने यहाँ पे क्या दिया, एरे नेम एंड द इंडेक्स 0. ओके, तो आपका कौन सा एलिमेंट एक्सेस हुआ? फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस हुआ, 11. या आप इसको नेगेटिव इंडेक्सिंग से अगर एक्सेस करना चाहते हो तो आपने एरे नेम दिया. ओके, एंड देन -5. ओके, इसका क्या है, नेगेटिव इंडेक्स क्या है, -5, राइट. तो आपका कौन सा एलिमेंट एक्सेस हुआ है? फर्स्ट एलिमेंट, दैट इज 11.
फाइन. इन द सेम वे आप सेकेंड एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो. अगर आपने दिया ए आर आर टू नॉट सेकेंड, दिस इज योर थर्ड एलिमेंट बिकॉज सेकेंड एलिमेंट इज दिस एरे वन. ओके फाइन. अगर आपने यहाँ पे आपने एरे नेम दिया एरे वन, फाइन, तो आपका कौन सी वैल्यू इंडेक्स आपकी हुआ, एलिमेंट आपने एक्सेस किया, सेकेंड एलिमेंट एक्सेस किया, राइट. तो इन दिस वे यू कैन एक्सेस द एलिमेंट्स. आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, सारे एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो पॉजिटिव इंडेक्स को यूज करके और नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज करके. फाइन ओके. सो अगर आपको फर्स्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स से आपने एक्सेस किया या माइनस फाइव इंडेक्स वैल्यू से एक्सेस किया, सेकेंड एलिमेंट आप वन इंडेक्स से एक्सेस करोगे या माइनस फोर इंडेक्स से आप एक्सेस करोगे, राइट. एंड सेकेंड वैल्यू आप थर्ड वैल्यू आप एक्सेस करोगे ए आर आर इंडेक्स वैल्यू टू. फाइन. इन दिस वे यू कैन एक्सेस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ वन डायमेंशनल एरे. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से इसको समझेंगे. गेट द फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एरे. फाइन. हमें एक एरे, हम यहाँ पर एक एरे बनाएंगे, उसका फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करेंगे. फाइन. अब देखो आपका फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट है इम्पोर्ट नम पाई एस एन पी. फाइन. अब क्या होता है, अगर आपको नंपाई एरे बनाना है तो आपको क्या करना है, नंपाई लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम में. बिकॉज इन ऑर्डर टू यूज फंक्शंस ऑफ नंपाई लाइब्रेरी यू हैव टू इंपोर्ट इट इन द प्रोग्राम. तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट में हमने नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया. फाइन. देन विद द हेल्प ऑफ एरे फंक्शन ऑफ नंपाई लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन से, नंपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन से हम क्या बना रहे हैं, वी आर पासिंग द लिस्ट इनसाइड द एरे फंक्शन ऑफ नंपाई लाइब्रेरी. यहाँ पे हमने ये लिस्ट पास की 1 2 3 4. फाइन. अब ये लिस्ट क्या बन जाएगी, हमारी एरे बन जाएगी. फाइन. ओके ओके. नाउ सी द लिस्ट एलिमेंट. लिस्ट एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 and 4. फाइन. ये हमारे लिस्ट एलिमेंट है. लिस्ट एलिमेंट में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका एरे इंडेक्स क्या होगा, उसका एरे इंडेक्स आपका होगा 0. ठीक है. सेकंड का होगा 2. देन इसका होगा हमारा सेकंड का होगा सॉरी 1. एंड 3 का होगा 2. एंड देन इसका होगा हमारा 3. फाइन. ओके. तो हमने क्या प्रिंट कराया है, एरे 0. ओके. तो आपका कौन सा इसका एलिमेंट प्रिंट होगा, इसका एलिमेंट प्रिंट होगा 1. सो लुक एट द आउटपुट, आपका कौन सा एलिमेंट प्रिंट हुआ है, 1. फाइन. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल नंबर 2. गेट द सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एरे. अब हमने क्या करना है, इस एरे में से सेकंड एलिमेंट को निकालना है, एक्सेस करना है. तो सिंपली वही हमें क्या करना है, इम्पोर्ट नंपाई, नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करना है एज एनपी. हमने उसका एलियास नेम क्या लिया है, एनपी. ठीक है. हमने नंपाई को एज अ एनपी इम्पोर्ट कराया है. ठीक है. नाउ एनपी डॉट एरे, नंपाई लाइब्रेरी के एरे फंक्शन को यूज करके हमने क्या किया है, एक एरे बनाया है बाय पासिंग द लिस्ट इनसाइड द एरे फंक्शन ऑफ नंपाई. फाइन. और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं, प्रिंट एरे 1. अब कौन सा आपका एलिमेंट प्रिंट करेगा, आपका एलिमेंट प्रिंट करेगा 2. ओके. सो लुक एट द आउटपुट, कौन सा एलिमेंट आपका आया, 2. ओके. फाइन. नाउ एग्जांपल नंबर 3. अब यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स टू एक्सेस एन एरे एलिमेंट फ्रॉम द एंड. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेगेटिव इंडेक्स का यूज करेंगे. फाइन. तो सिंपली हमने क्या किया है, नंपाई लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया. फाइन. एंड देन एरे फंक्शन में हमने लिस्ट को पास किया टू क्रिएट द एरे. ओके. अब आप यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहे हो, एरे माइनस 1. तो माइनस 1 कहाँ, कौन सा है आपका, दिस इज योर माइनस 1. Then this is your minus 2. Then this is your minus 3.
ओके लाइक दिस एंड दिस इज योर माइनस फोर. तो माइनस वन पे इंडेक्स पे आपका क्या है फोर. तो आप लुक एट द आउटपुट, आपका क्या आएगा नंबर नंबर फोर. फाइन दिस इज योर नंबर फोर. ओके देन कम टू द एग्जाम्पल नंबर फोर. गेट थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग एरे एंड एड देम. ओके आपको क्या करना है, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट को एक्सेस करना है और उन दोनों को ऐड करना है. तो सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे numpy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया. फाइन एंड numpy लाइब्रेरी के एरे फंक्शन में आपने लिस्ट को पास किया. ओके आपका एरे क्रिएट हो गया. ओके अब यहाँ पे आपने प्रिंट क्या करा है, प्रिंट ओके इंडेक्स टू एंड प्लस एरे इंडेक्स थ्री. अब इंडेक्स टू पे क्या है, यहाँ पे जीरो वन टू. ओके थ्री आपका क्या है, इंडेक्स वैल्यू टू पे है एंड आपका फोर क्या है, इंडेक्स वैल्यू थ्री पर है. तो थ्री प्लस फोर आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, सेवन. ओके थ्री प्लस फोर योर आउटपुट इज सेवन. फाइन दिस इज योर आउटपुट. ओके यहाँ पे आपने टू इंडेक्स पे आपका क्या था थ्री. ओके एंड थ्री इंडेक्स पे आपका क्या है फोर और इन दोनों का एडिशन आपका क्या आ गया सेवन. राइट सो इन दिस वे वी हैव डन इंडेक्सिंग इन वन डायमेंशनल एरे. ओके अब हम देखेंगे टू डायमेंशनल एरेज में इंडेक्सिंग कैसे होती है. फॉर टू डायमेंशनल नंपाई एरेज यू नीड टू स्पेसिफाई बोथ अ रो इंडेक्स एंड अ कॉलम इंडेक्स फॉर द एलिमेंट और रेंज ऑफ एलिमेंट्स दैट यू वांट टू एक्सेस. अब टू डायमेंशनल एरे में आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों को स्पेसिफाई करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ द एरे. ओके जैसे हमने वन डायमेंशनल एरे में सिर्फ रो इंडेक्स दिया था. फाइन अगर कॉलम या कॉलम इंडेक्स आप दे सकते हो. राइट सिंगल इंडेक्स आपको देना होता है. लेकिन टू डायमेंशनल एरे में आपको रो और कॉलम दोनों इंडेक्स देने होते हैं, दोनों इंडेक्स स्पेसिफाई करने होते हैं. फाइन जैसे आप यहाँ पे देखोगे कॉलम्स, जैसे रोज दी हुई है रो वन रो रो टू रो जीरो रो वन रो टू एंड कॉलम जीरो कॉलम वन कॉलम टू. फाइन तो एलिमेंट्स के लिए यहाँ पे शो किया गया है आपकी फिगर में ए जीरो जीरो. तो ये क्या है, इस एलिमेंट का इंडेक्स वैल्यू क्या है, जीरो रो एंड जीरो कॉलम. देन सेकेंड एलिमेंट देखो जीरो रो एंड फर्स्ट कॉलम, जीरो रो एंड सेकेंड कॉलम लाइक दिस. ओके एंड वी विल अंडरस्टैंड दिस प्रैक्टिकली विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. नाउ नाउ फर्स्ट For 2D arrays, we can access individual elements in any of the following indexing style. अब हम क्या कर सकते हैं, array index को two styles में access कर सकते हैं. So first the 2D array name, fine, row index, comma column index, right? आप क्या कर सकते हो, simply यहाँ पे रो इंडेक्स एंड कोमा कॉलम इंडेक्स दे सकते हो. ठीक है, या फिर आप 2D array name रो इंडेक्स एंड देन कॉलम इंडेक्स ऐसे उनको स्पेसिफाई कर सकते हो. फाइन तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं. इम्पोर्ट नंपाई एज एनपी, सबसे पहले हमने लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया. ओके एंड इन द एरे फंक्शन ऑफ नंपाई लाइब्रेरी हमने क्या किया, लिस्ट पास की जिसके अंदर टू लिस्ट है. राइट अ लिस्ट दैट कंटेन्स टू लिस्ट इन साइड इट. फाइन नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इन टू एन एरे. ओके अब यहाँ पे आप ये देखोगे, ये जब हमने इस एरे को प्रिंट किया है दिस इज आवर एरे, ये हमारा टू डायमेंशनल एरे प्रिंट हुआ है. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या दिया, एलिमेंट्स ऑन रो इंडेक्स, सॉरी एलिमेंट्स ऑन जीरो इन जीरो रो इंडेक्स एंड वन कॉलम इंडेक्स. फाइन हमें क्या करना है, कौन से एलिमेंट को एक्सेस करना है जिसका रो इंडेक्स जीरो हो और कॉलम इंडेक्स क्या हो वन हो. ओके तो इसके लिए आपने क्या स्टेटमेंट, इसके लिए आपने क्या दिया है, एरे नेम ए आर आर जीरो रो इंडेक्स एंड वन
कॉलम इंडेक्स, अभी याद रखना हमेशा रो इंडेक्स पहले आएगा और कॉलम इंडेक्स बाद में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो इंडेक्स आपका 0 है एंड कॉलम इंडेक्स आपका 1 है, हमें कौन सा एलिमेंट एक्सेस करना है जिसका रो इंडेक्स 0 है और कॉलम इंडेक्स 1 है। तो आप यहाँ पे देखो ये हमारा एरे है, ठीक है, रो इंडेक्स 0, रो इंडेक्स हमारा दिस, रो इंडेक्स 0 एंड कॉलम इंडेक्स 1, कॉलम इंडेक्स 1, फाइन। तो हमारा कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेगा, हमारा 2 एक्सेस करेगा यहाँ पर, राइट, रो इंडेक्स 0 एंड कॉलम इंडेक्स 1, तो यहाँ पे आपका एलिमेंट एक्सेस होगा 2, फाइन। सो यू कैन सी द आंसर, एलिमेंट ऑन रो 0 रो इंडेक्स एंड 1 कॉलम इंडेक्स इज 2, फाइन, ओके। देन एग्जांपल 2, ओके, एग्जांपल 2, इसमें हमने क्या किया, इंपोर्ट numpy एज एनपी, numpy लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराया, ओके। देन एरे फंक्शन की हेल्प से हमने 2 डायमेंशनल एरे को क्रिएट किया, फाइन। तो आपने पहले क्या किया, अपने एरे को प्रिंट करा दिया, तो ये आपका एरे यहाँ पे प्रिंट हो गया, फाइन। अब आपने एलिमेंट देना है, एलिमेंट ऑन 1 रो इंडेक्स एंड 4 कॉलम इंडेक्स, ओके। हम उस एलिमेंट को एक्सेस करेंगे जिसका रो इंडेक्स क्या है 1 और कॉलम इंडेक्स क्या है 4, फाइन। अब मैंने अभी आपको बताया हमेशा रो इंडेक्स पहले आएगा, फाइन, फिर आपका कॉलम इंडेक्स आएगा, फाइन। तो अब यहाँ पे रो इंडेक्स हमारा क्या है 1, दिस इज 1, दिस इज योर रो इंडेक्स, रो इंडेक्स 1 है और कॉलम इंडेक्स 4, कॉलम इंडेक्स 4, तो रो इंडेक्स 1 और कॉलम इंडेक्स 4 आपका कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेगा, आपका एलिमेंट एक्सेस करेगा 10, फाइन। टू डायमेंशनल एरे में आपका कौन सा एलिमेंट आएगा, एक्सेस करोगे आप 10, ठीक है, रो इंडेक्स 1 एंड देन कॉलम इंडेक्स 4, ओके, सो यू विल गेट 10, फाइन। एग्जाम्पल 3, अब हम यहाँ पे करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3, राइट। इम्पोर्ट numpy एज np, सबसे पहले आपने np को इम्पोर्ट कराया, फाइन। देन आपने लिस्ट पास की एरे फंक्शन में टू क्रिएट द एरे, ओके, सो हियर वी हैव 2 लिस्ट इनसाइड 1 लिस्ट, देन आपने एरे को प्रिंट करा दिया, सिंपल, ठीक है, दिस इज योर एरे विच इज प्रिंटेड। अब आपका क्या है, आपने क्या प्रिंट कराना है, एलिमेंट ऑन 1 रो इंडेक्स एंड 4 कॉलम इंडेक्स, फाइन। आपको एलिमेंट चाहिए जिसका रो इंडेक्स हो 1 और कॉलम इंडेक्स हो 4, फाइन। और यहाँ पे हमने यूज किया है रो इंडेक्स 1 एंड कॉलम इंडेक्स -1, फाइन, ओके। रो इंडेक्स आपका 1 है एंड कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स आपका 1 है एंड कॉलम इंडेक्स आपका क्या है -1 है, फाइन। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे रो इंडेक्स 1, यहाँ से आपकी रो इंडेक्स कैसे होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे आप करते हो, कॉलम इंडेक्स भी ऐसे होते हैं 0 1 2 3 4 लाइक दिस, राइट। एंड अदरवाइज आपका लास्ट एलिमेंट होता है -1 -2 -3 -4 लाइक दिस, एंड इन द रो ऑल्सो यू हैव द सेम -1 -2 सो ऑन, ठीक है। तो अभी हमारे को हमें क्या चाहिए, हमारा रो इंडेक्स 1 होना चाहिए और कॉलम इंडेक्स क्या होना चाहिए -1, तो कॉलम इंडेक्स -1, दिस इज योर -1, फाइन, ओके। तो अगेन आपका कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेगा 10, फाइन, रो इंडेक्स आपका 1 है और कॉलम इंडेक्स आपका -1 है, ओके, तो आपका कौन सा एलिमेंट एक्सेस करेगा 10, फाइन। So in this way, in this video, we have done array indexing. Now we will meet in next video with next topic. Thank you.